नमस्कार मैं राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती और इसके साथ ही कई के खिलाफ बिहार पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं यह एक बड़ी खबर है खबर यह है कि बिहार पुलिस जो यहां से जांच के लिए मुंबई गई हुई थी मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिला इसके बावजूद भी बिहार पुलिस ने अपने दम पर कई जांच कर कई सब साक्ष्य और सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और एक मोटी फाइल बनाई है इस मोटी फाइल में रिया चक्रवर्ती के साथ ही इसके अलावा कई मुंबई में रह रहे रसुकदार चपेटे में आते दिख रहे हैं जागरण से मिली खबर के अनुसार मुंबई पुलिस को जब मुंबई पुलिस ने जब बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया तो बिहार पुलिस ने अपने जांच का जो तरीका है और जांच की जो रणनीति है उसे बदल डाली थी बदलने के साथ ही उसने कई लोगों के बयान दर्ज किए तकरीबन दस लोगों के बयान दर्ज किए और बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत मामले का अड़तालीस पन्नों का निकाल लिया है जिससे कई बातें निकल पैसों के लेन के मामले में सामने आ रही है और बिहार पुलिस ने जो जांच सबूत इकट्ठा किए हैं उनमें उसमें कई रसुखदार मुंबई के और कई एक्टर इसमें फंसते नजर आ रहे हैं इसके अलावा एक खबर यह आ रही है कि जो चार सदस्यीय जांच की टीम गई थी बिहार से मुंबई उनमें से एक इंस्पेक्टर इन सबूतों को लेकर पटना आएंगे और पटना के सिविल कोर्ट में इन सबूतों का आधार बनाकर बताएंगे और वारंट निकालने की बात कहेंगे कोर्ट से ताकि जो आरोपित हैं रिया चक्रवर्ती और अन्य लोग जो इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ पूछताछ के लिए वारंट आ जाए और गिरफ्तारी का वारंट आ जाए और यहां से जब कोर्ट से पटना सिविल कोर्ट से क्योंकि मामला पटना का है इसलिए पटना सिविल कोर्ट से जब वारंट निकल जाएगा इन लोगों के खिलाफ या चक्रवर्ती या अन्य जो भी लोग जिनके नाम मामले नाम जो है इस मामले में सामने आते जा रहे हैं उसे लेकर यहां से एक डीआईजी रैंक का अधिकारी मुंबई जाने की खबर आ रही है जैसा कि खबर मिल रही है कि बिहार से अब डीआईजी रैंक के अधिकारी वारंट मिलने के बाद मुंबई जा सकते हैं खबर यह है कि मनु महाराज जो कि मुंगेर के डीआईजी हैं, विनय कुमार और विकास वैभव जो, जो है वो इन तीनों में से कोई एक अधिकारी को चयनित किया जाएगा मुंबई में इस वारंट को लेकर जाने के लिए और जिनके खिलाफ वारंट होगा उनकी गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ की जाएगी यह बड़ी खबर सामने कर आ रही है आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने लगातार बिहार पुलिस द्वारा की जा रही जांच का विरोध किया मुंबई के पुलिस के जो कमिश्नर है वे लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार पुलिस को अधिकार नहीं हालांकि वो इन बातों का कहीं भी जिक्र नहीं करते हैं कि, कि किस सी पी सी आर पी सी के आधार पर वो ये बात कर रहे हैं और किस धारा के तहत मुंबई पुलिस यह बात कर रही है कि बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है अभी तक उन्होंने इस बात को लेकर कोई जो है बयान नहीं दिया है हालांकि वो यह कह रहे हैं कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं खुद कानून वाले अब कानूनी सलाह ले रहे हैं यह एक बड़ी खबर है इस यह एक अलग चमत्कार ही है कि जो खुद कानून का, की बात करते हैं जो खुद कानून है वो किसी और से कानूनी सलाह ले रहे हैं जैसा कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर का कहना है खबर यह है, है कि रिया चक्रवर्ती जो अब तक इस मामले में लग रहा था उनको कि सब कुछ शांत है सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ निपट गया लेकिन जैसे ही पटना में केस दर्ज होता है उसके बाद पूरा जांच का तरीका बदल जाता है जैसे ही बिहार पुलिस जांच में घुसती है पूरा जांच ही बदल गया है इसके अलावा खबर यह आ रही है कि जब से बिहार पुलिस वहां पहुंची है रिया चक्रवर्ती अपने लगातार ठिकाने बदल रही हैं, वो कहीं एक जगह ठहर नहीं रही हैं। खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का महाराष्ट्र के और मुंबई के सियासी महकमे में बड़ा धाक है इस वजह से मुंबई पुलिस सियासी महकमे की वजह से उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है साथ में रिया चक्रवर्ती के भाई सौकिक चक्रवर्ती जो है सौविक चक्रवर्ती उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है जैसा कि पटना में किस दर्ज उस आधार पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं वो भी इस मामले में जब से बिहार पुलिस गई है वो भी नदारद हैं और बिहार पुलिस से टच में रहना ही नहीं चाहते हैं ये लोग लगातार अंडरग्राउंड होते जा रहे हैं और छिपते जा रहे हैं हालांकि अब खबर यह आ रही है कि बिहार पुलिस को उनके ठिकाने का पता चल गया है और बिहार पुलिस अब अपना कार्रवाई जरूर करेगी और जैसा कि खबर आ रही है कि बिहार पुलिस का एक सदस्य जो कि जांच के लिए वहां मुंबई गया हुआ था उसमें से एक सदस्य आएगा लेकर यहां पर साक्ष्यों को सबूतों की जो फाइल मोटी बनी हुई है उसे लेकर यहां आएगा पटना सिविल कोर्ट में उन सबूतों को रखेगा और जिनके खिलाफ जो मामले और जो सबूत इकट्ठे हुए हैं उनके खिलाफ वारंट यहां से निकाला जाएगा निकाले जाने के बाद यह मामला जो वारंट है वो यहां से पटना से या बिहार से किस कोई डीआईजी रैंक का अधिकारी लेकर मुंबई जाएगा और वहां जिनके खिलाफ भी वारंट है उनकी गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ की जाएगी लगातार बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भी यह बयान आता रहा है कि जिस दिन सबूत मिल गए रिया चक्रवर्ती हो या कोई भी हो किसी भी कोने में छिपे हो उन्हें बिहार पुलिस ढूंढ के निकाल लेगी और अब ऐसा होता दिख रहा है जैसा कि खबर जो है वो लगातार निकल कर सामने आ रही है फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है और जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया और जिस तरह से वो अपने जो जांच है उसमें अलग अलग बयान दे रहे हैं और बिहार पुलिस को इस जांच से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं उससे मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है और शंका जो है वो गार आते जा रही है कि आखिर मुंबई पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है क्या इसमें कोई बड़े नेता भी शामिल हैं क्या ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि इसमें और कौन कौन शामिल है क्या यह सुसाइड केस है या फिर यह कोई और मामला है ये बड़ा सवाल है जो धीरे धीरे ही जवाब जिसका मिलेगा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज धन्यवाद